विनोद गुंबर जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी जिला मुरादाबाद की ओर से सभी नगर व प्रशासनिक अधिकारियों तथा देशवासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अपील, सभी नगरवासी मुंह पर मास्क लगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दीपावली त्योहार को प्रदूषण मुक्त मनाएं। दीपों के त्योहार दीपावली को प्रेम व सद्भाव से मनाएं। कोरोना काल में सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। आतिशबाजी करते हुए सूती कपड़े पहने। जी भाई साहब, दीपावली की आज छोटी दीपावली भी है और आपकी बहुत सारे हिंदू समाज के लोग आज धनतेरस ही मना रहे हैं। मैं सभी जिले के और महानगर के समस्त भाइयों को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके चरणों में शत-शत नमन करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। ये मीठा त्यौहार है और रोशनी का त्यौहार है। हम सब मिलकर इसको, जात पात को एक तरफ रखकर हम सब मिलकर इस त्यौहार को बनाए। किसी भी जाति का हो, हमें सबका मान सम्मान करना चाहिए, सबको इज्जत देनी है। और जब खासकर देखा गया है कि हिंदू परिवारों में जब कोई त्यौहार आता है तो अपने बुजुर्गों के लिए कुछ ना कुछ मिष्ठान किसी ब्राह्मण को दान किया जाता है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे ही हर त्यौहारों में एक दिया शहीदों के नाम जरूर जलाएं। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं, ये वो शहीद हैं जो सरहद पर रहकर हमें एक खुली सांस का मन एहसास करा रहे हैं। उनके परिवारों को ये संदेश जाना चाहिए कि 130 करोड़ की जनता सैनिकों के परिवार के साथ है। और एक दिया किसान भाइयों के लिए भी प्रार्थना करनी है कि दिया जलाए, कि पिछले 2 साल से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है कि बिन मौसम ओलावृष्टि फसल ठीक नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा किसानों को 2 साल उम्र काटे हैं। और किसानों के लिए महाकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती से प्रार्थना करनी है कि हमारा किसान भाई खुशहाल रहे। किसान खुशहाल होगा तो हमारा हिंदुस्तान खुशहाल होगा, किसान खुशहाल नहीं होगा तो व्यापार भी नहीं बढ़ेगा। मैं पुनः सभी अभिभावकों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने बच्चों को एक ऐसी सीख दें। कोरोना महामारी के अंदर मुरादाबाद में पोल्यूशन 1 नंबर पे 2 नंबर पर आ रहा है। हमें अपने बच्चों को ये सीख देनी है कि कोई भी आतिशबाजी धमाकेदार जिससे शहर के अंदर पोल्यूशन हो, हमें अपने बच्चों को नहीं करनी और नहीं हमने करने देनी है। हम फुलझड़ी और अनार के साथ दिवाली और फिर पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूँ छात्र छात्राओं को, नौजवान साथियों को, किसान भाइयों को, अधिवक्ता भाइयों को, प्रशासनिक अधिकारियों को और सभी राजनीतिक पार्टियों को दीपावली की कोटि कोटि बधाई। आपसे पुनः प्रार्थना है कि भैया दूज, गंगा स्नान, आने वाला साल हमारे लिए मंगलमय हो, खुशहाल हो, हमारे परिवार में सुख शांति हो, बच्चे हमारे आज्ञाकारी हो। और यही मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।